गाइज वंस अगेन यू आर वार्मली वेलकम टू हार्डमैन ट्रिक्स। अस्सलाम वालेकुम हार्डमैन की पब्लिक। तो गाइज आज की वीडियो में हम यहाँ पे एक्स सूट की क्रेट ओपनिंग करने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा हुआ था कि कुछ यूसी खट्टी करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक्स सूट इसको निकालेंगे। और गाइज सबसे ज़रूरी चीज़ आपको बताता चलूँ, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कितनी यूसी लग रही है कम से कम एक्स सूट निकालने में और इसे अपग्रेड करने में। और गाइज मैं आपको पहले भी बता दूं, मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है एक्स सूट पहले वाला, जो यहाँ पे ब्लड ड्रेवन है ना वो मेरे पास है, उसके कॉइन्स भी हैं। तो मुझे टोटल 600 कॉइन्स चाहिए और ये मेरा लेवल 3 हो जाएगा। कोशिश करेंगे, 12,000 यूसी है मेरे पास और मैं इसको लेवल 4 करने की कोशिश करूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हर एक लेवल के लिए हमें 10,000 यूसी चाहिए होती है। तो देखते हैं अभी कितना होता है। तो वैसे ये दोनों के दोनों एक्स सूट बहुत अच्छे हैं, इनकी लुक भी अच्छी है। और यहाँ चेक मैं करा देता हूँ, जोकर के एक्स सूट दोनों जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। तो अभी मैं कौन सा लूँगा, तो पहले तो मेरा इरादा था वाइट लूँगा, लेकिन गाइस मैंने वोटिंग कराई थी पबजी मोबाइल में तो सारे कह रहे थे भाई ब्लैक वाला ज़्यादा अच्छा है, हम ब्लैक वाला लेंगे। तो यहाँ देख लो, ब्लैक की भी लुक अपनी जगह है और वाइट की भी अपनी जगह है। वो खैर बाद में देखते हैं, जब अगर निकल आता है तो फिर देखेंगे कि वाइट लेते हैं या ब्लैक। और सबसे अच्छी बात, यहाँ ये जेम स्टोन होता है डेस्टिनी जेम, अगर ये निकल आए तो दोनों एक्स सूट हमें मिल जाएंगे, ब्लैक भी और वाइट भी इसकी वजह से। तो चलो गाइज यहाँ से ओपनिंग स्टार्ट करते हैं, पहले सिंगल सिंगल और फिर देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो फर्स्ट स्पिन करते हैं, और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, यहाँ पहले स्पिन कर लें फिर मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज देखो, हमें ये वाले जो हमें ये है ना स्टार फ्रेगमेंट्स, ये काफ़ी ज़्यादा चाहिए। यहाँ पे हमेशा एक्स सूट ही सिलेक्ट करना, यहाँ ऑप्शन होता है कि आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, ये देखो ऑप्शन है ना। तो इसमें ये वाली चीज़ें ना सिलेक्ट करना बल्कि एक्स सूट ही सिलेक्ट करना, तो बाकी रिवार्ड्स तो आपको मिलते रहेंगे, यहाँ ग्लाइडर वगैरह और बाकी चीज़ें। तो यहाँ कुछ स्किप करेंगे, कुछ सिंगल सिंगल स्पिन करेंगे, तो यहाँ देखो क्या होता है। ओके तो गाइज यहाँ पे हमें लेजेंडरी हेलमेट मिल चुका है, ये अच्छी बात है, बाद में कॉइन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो चीज़ें हमें मिल रही हैं वो अच्छी बात है। तो अभी एक्स सूट पे स्पिन है, लेट्स सी क्या हमें मिलता है। तो मेरे पास 51 कॉइन्स ऑलरेडी हैं, तो बाकी कॉइन्स हमने इकट्ठे करने हैं, टोटल 550 कॉइन्स होंगे ना, 555, तो हमारा लेवल 3 हो जाएगा ब्लड रेवन। तो देखते हैं 550 कॉइन्स कितने यूसी खर्च करने के बाद हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें मिला है, यहाँ 3 में कन्वर्ट हो गया स्मोक की स्किन। तो गाइज अब हम 600 यूसी की स्पिन करेंगे, यहाँ पे मैप सेलेक्ट कर लेते हैं हम, यहाँ पे कैराकिन मैप, तो यहाँ कैराकिन मैप सेलेक्ट कर लेते हैं। मैप हमने यहाँ कैराकिन सेलेक्ट कर लिया, और चलो गाइज अब 600 यूसी की स्पिन करते हैं और देखते हैं भाई हमारी किस्मत हमें कहाँ लेके जाती है। चलो यहाँ पे लेट्स गो, तो पहली 600 यूसी की स्पिन है, लेट्स सी। तो गाइज यहाँ पे मैंने पहले सोचा था 16,000 यूसी मिल जाएगी, 200% आएगा, लेकिन वो 150% ही आया, तो फिर मुझे 12,000 यूसी खरीदनी पड़ी, वो जो हुई 16,000 रुपये में होती है, तो वो यूसी स्टेशन की वजह से काफ़ी हमारा फ़ायदा हो गया। तो गाइज़ आप यहाँ देख रहे हो स्मोक की कितनी ज़्यादा स्किन्स ये बार बार दे रहे हैं, वो दो दो कॉइन्स में बस कन्वर्ट होता है, तो इन्होंने बस स्मोक ही पकड़ा हुआ है। तो ये अच्छी बात है, यहाँ पे हमें मिला है इमोट, तो इमोट ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरे, मुझे दोनों इमोट मिल गए हैं, तो ये कॉइन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं अभी कितने कॉइन्स में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ हमें एक जेम स्टोन मिल गया, तो टोटल यहाँ 11 कॉइन्स में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ 60 यूसी की एक स्पिन करते हैं, अब अगली स्पिन जो है वो स्किप करेंगे और देखते हैं फिर क्या होता है। गाइज देखो मेरा प्राइम प्लस भी आने वाला है, लेकिन प्राइम प्लस की यूसी मैंने लगानी है वहाँ जो हमारी एकेएम आ रही है ना उसमें लगाएंगे। तो यहाँ मैं अब स्किप करता हूँ, 600 यूसी की ड्रा करते हैं, लेट्स सी। ओ गाइज तो यहाँ पे हमें स्कारलेट मैगस सिकल मिली है, तो सही हो गया, एक लेजेंडरी मिल गई है। कॉइन्स हमारे पास कितने हो गए हैं यहाँ पे चेक करने पड़ेंगे। ओके तो यहाँ मेरे पास 110 कॉइन्स हैं, और यहाँ पे हमें 110 कॉइन्स हैं, और यहाँ पे इसको जाके यहाँ रिडीम भी कर सकते हैं, और देखते हैं अभी क्या होता है। तो रिवार्ड्स यहाँ सारे यही हैं सारे। तो आगे यहाँ पे आपने देखा था कुछ ग्लिच से और ही चीज़ें शो हो रही थी, तो खैर चलो जो भी है छोड़ो इस चीज़ को, फिलहाल स्किप करते हैं। और यहाँ पे हमें कॉइन्स ही भर भर के मिल रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं है, टोटल हमारी अभी 10,180 यूसी रह गई है। तो अभी बगैर स्किप किए हुए करते हैं इसे और देखते हैं हमें एक्स सूट भी मिल जाए
तो अच्छी बात है, मेरा ब्लड रेवन भी हो जाएगा और साथ में यहाँ जोकर वाला एक्सू भी हो जाएगा, तो इसको फिलहाल स्किप ही करते हैं। ओ गाइस, फाइनली यहाँ गाइस आप देख सकते हो, भाई साहब अभी मैंने 2-3 हज़ार यूसी लगाई और अर्कैन जेस्टर कार्ड मुझे यानी एक्स सूट मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। अब गाइस यहाँ पर हमने कौन सा चूज़ करना है ये बताना है, वाइट या ब्लैक, ब्लैक या वाइट। तो गाइज मेरा दिल कर रहा है कि वाइट ही लूँ क्योंकि अभी ही चूज़ करना है, ब्लैक बाद में देखेंगे क्योंकि ब्लैक तो मेरे पास ब्लड रेवन भी है ना, तो वाइट एक्स ये अर्कैन जेस्टर हो जाते तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इसको ओके कर लेते हैं और यहाँ कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइज फाइनली हमें यहाँ एक्स सूट मिल चुका है, इक्विप नाउ भी कर लेते हैं और ओके भी कर लेते हैं। तो अभी मैं आपको बैक करके यहाँ दिखाता हूँ, तो ये गाइज देख सकते हो हमारे पास है यहाँ पे जोकर एक्स सूट। मेरी अभी कितनी यूसी लगी है, 2500 यूसी, हाँ 2500 यूसी अभी मेरी लगी है और यहाँ मेरा एक्स सूट निकल आया है। बस गाइस देख लो, अब यहाँ पे हम आसानी से ब्लड रेवन को भी अपग्रेड कर सकेंगे। तो यहाँ हमारी किस्मत काफ़ी ज़बरदस्त चली है, तो यहाँ अभी स्पिन में जारी रखूँगा। वजह यह है कि मैं मुझे चाहिए कॉइन्स, 550 कॉइन्स चाहिए ताकि ब्लड रेवन को मैं कर लूँ लेवल 3 तक, हाँ अपग्रेड कर लूँ। तो अब बस हमने 550 कॉइन्स करने, बाकी यूसी थोड़ी बचा देंगे। तो मैं इसको यहाँ पे एक स्पिन करते हैं और बाद में स्किप भी करेंगे, ओके। तो गाइस यहाँ पे मिथिक अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला, अलबत्ता वो डेस्टिनी जो स्टोन है ना रेड कलर का वो मिल जाए तो दोनों एक्सूट हमारे पास हो जाएंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ क्या मिलता है हमें। तो गाइज एक मेरा दोस्त है, ठीक है, वो मेरे साथ ऐड भी है, तो उसको 5000 यूसी में डेस्टिनी जेमस्टोन भी मिल गया और यहाँ पे एक्स सूट भी मिल गया और कॉइन्स भी मिल गए, भाई काफ़ी ज़बरदस्त उसकी लक थी। तो चलो गाइज, तो गाइज यहाँ देख सकते हो हमें यहाँ स्टार फोर्ज स्टोन भी मिल रहे हैं, येलो कलर के स्टोन भी मिल रहे हैं, तो ये चलो अच्छी बात है। यहाँ पे दोबारा करते हैं, यहाँ स्किप ही करते, तो यहाँ पे कॉइन्स और ये चीज़ें ही मिल रही हैं फिलहाल, ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ स्टार फोर्ज पे रिवार्ड्स पे जाऊँ तो यहाँ हमारे पास कितने स्टार फोर्ज हैं, रिडीम रिवार्ड्स और यहाँ ये, तो मेरे पास 166 हो गए, पहले थे 149, हाँ। तो यहाँ पे हमने टोटल मुझे 111 और ये 261 चाहिए, 260, हाँ 260 मुझे चाहिए तब जाके हमारे पास ये होगा, 260 मुझे ये वाले चाहिए तब जाके हमारे पास लेवल 3 होगा। तो उस हिसाब से देख लेंगे कि कैसी कैलकुलेशन बनती है या क्या हिसाब बनता है। तो यहाँ पे स्किप भी फ़िलहाल करते हैं। तो गाइज यहाँ देख सकते हो हमारे पास बैरल की स्किन भी मिल चुकी है, अब ये अपग्रेडेबल है या पता नहीं कौन सी है ये भी देख लेंगे भाई। बैरल की स्किन बहरहाल हमें मिल चुकी है, तो यहाँ बैक करते हैं और यहाँ पर चेक कर लेते हैं बैरल की स्किन कैसी है। यहाँ पर चेक करना पड़ेगा इसे, तो ये कंफर्म नहीं है अभी कि कौन सी है यहाँ पे। नहीं गाइज ये अपग्रेडेबल नहीं है, सिंपल वाली है, ठीक है, ये वाली चेक कर लो, सिंपल वाली है, ये अपग्रेडेबल वाली नहीं है। तो खैर चलो जो भी है भाई, हमें फ्री में मिल गई है, साथ कॉइन्स भी मिल रहे हैं, उस चीज़ को छोड़ो। तो यहाँ पे हमारे पास 284 कॉइन्स हो गए हैं, तो अब मैं स्किप ही करता हूँ यहाँ पर दोबारा। ओ गाइज यहाँ पर देख लो गाइज, मुझे डेस्टिनी जेम स्टोन भी मिल गया, भाई क्या लक चल रही है। जस्ट मेरी अभी देख लो 3 और 2, हाँ 5000 यूसी मेरी लगी है और दोनों एक्सूट मुझे मिल गए। तो चलो गाइस चलते हैं स्टार फोर्स की तरफ और यहाँ पे हमारे पास जो पहला एक्सूट है वो तो हमने किया हुआ है अनलॉक। तो अब देखो इसको यहाँ पे किधर गया है हमारा, हाँ ये वाला। तो गाइज ये देखो, ये है ब्लैक कलर का, तो इसको भी हम अनलॉक कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डेस्टिनी जेम स्टोन है, तो इसे अनलॉक करते हैं। नाइस, यहाँ पे ओके करते हैं और हमारे पास गाइस दोनों के दोनों एक्स सूट हो चुके हैं। तो मैंने स्टेटस लगाया नहीं है, वो मुझे याद नहीं रही, तो खैर छोड़ो स्टेटस को फिलहाल। यहाँ ब्लैक भी मिल हो गया है हमारे पास और वाइट वाला भी हो गया, तो दोनों एक्स सूट हमारे पास हो गए। तो अब इनको चेंज कहाँ से करते हैं, यहाँ इक्विप करते हैं। ये देखो गाइज ये वाला है वाइट वाला, तो गाइज ये देखो अब यहाँ पर हमारे पास ये आ गया ब्लैक वाला, देख रहे हो, तो वाइट वाला भी मिल गया, ब्लैक वाला भी मिल गया, भाई और क्या चाहिए। 7000 यूसी अभी भी पड़ी हुई है, 5000 यूसी में हमारा सस्ते में बिल्कुल काम हो गया, मुझे यकीन था ये हो भी जाएगा। 324 कॉइन्स हैं अभी मेरे पास यहाँ पे। तो गाइज अभी भी मुझे रिडीम करने के लिए अगर यहाँ पे जाऊँ ना तो 90 कॉइन चाहिए, तो ये 90 कितने के बन जाएंगे, यहाँ पे
अभी भी हमारे पास 90 450 के बनते हैं, तो अभी नहीं भाई, अभी भी हमें स्पिन करनी पड़ेगी तब जाके लेवल 3 होगा। तो चलो गाइज इसे स्किप किए बगैर ही करते हैं, यानी स्किप करके ही। तो ये देखो अभी भी हमें कुछ चीज़ें मिल रही हैं, कुछ सिंगल स्पिन भी कर लेते हैं साथ। यहाँ पे 450 कॉइन्स अभी चाहिए मुझे, तो अब गाइज यहाँ इसको स्किप ही करेंगे। स्किप करके काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें हमें मिल रही हैं। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं जिसकी वजह से हमें कॉइन्स मिल रहे हैं और ये चीज़ें मिल रही हैं, तो इसे स्किप करते हैं। तो यहाँ पे हमें स्टार फोर्स स्टोन भी मिल गया। अब मुझे ये स्टोन भी देखने पड़ेंगे कितने ज़्यादा हमें चाहिए, क्योंकि अगर स्टार फोर्स स्टोन की बात करें ना तो ये हमें चाहिए 8। टोटल मेरे पास 8 पड़े हुए और 3 वो पूरे हैं भाई। एडवांस फार्म करने के लिए आराम सुकून से मेरी एडवांस फार्म इसमें हो जाएगी। अभी भी 5000 यूसी पड़ी हुई है, तो अब मुझे शायद ये रिडीम हो जाएगा, मैं चेक करके आता हूँ। तो गाइज़ हमारे पास कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। अगर मैं इसको रिडीम करता हूँ ना इस जगह पे जाके, तो मुझे चाहिए यहाँ पे ये आलमोस्ट कोई 80, तो यहाँ 81 फिलहाल रिडीम करते हैं, तो 405 के हैं, ठीक है 480 ये चाहिए। तो इसको मैं रिडीम करता हूँ यहाँ पे, ओके करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मुझे डिस्काउंट के साथ 80 ये मिल गए। तो टोटल हमारे पास यहाँ स्टार फोर्ज कितने हो गए हैं, 178 और 80। यहाँ पे अभी भी एक कम है, तो 260 करने। तो एक यहाँ से मैं और ख़रीद लेता हूँ रिवार्ड रिडेम्पशन से, एक यहाँ पे और ख़रीद लेते हैं, तो टोटल हमारे पास 260 हो गए। अब गाइज़ हम करते हैं अपने ब्लड रेवन को यहाँ पे लेवल 3। ब्लड रेवन वाले का भाई अपना शशका है, जो इसका विक्ट्री ब्रॉडकास्ट है और ये जो है ना इसका एंट्री इमोट भाई सबसे अच्छा है, तो लिहाजा हम इसको ही करते हैं अपग्रेड। तो गाइज़ यहाँ पर हमारे पास हो गया है ब्लड रेवन लेवल 2 तक, तो इसको अब शेयर करना बनता है, तो इसको मैं करता हूँ शेयर। और गाइज अब बारी है इसको एडवांस फार्म करने की। एडवांस फार्म में यहाँ देखो 160 कॉइन्स ही चाहिए हमें, तो इसे अपग्रेड करते हैं। तो गाइज मिथिक हमारा हो चुका है, हमारा ब्लड रेवन एक्स सूट, तो इसको मैं शेयर दोबारा कर देता हूँ। गाइज यहाँ पे हमारी लुक जो है ब्लड रेवन की ये देख लो, एडवांस फार्म में काफी जबरदस्त हो जाता है। यहाँ पे विक्ट्री ब्रॉडकास्ट भी में भी अच्छा है इसका, यहाँ देख लो। अब ये इसको बाद में करेंगे क्योंकि इसके लिए काफी ज्यादा यूसी लगने वाली है, क्योंकि मुझे 10,000 यूसी और चाहिए तब जाके ये लेवल 3 होता है, वो कैलकुलेशन करेंगे बाद में। अभी ये वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है, जितनी यूसी लगनी थी वो तो लगा दिए। 39 कॉइन्स अभी भी पड़े हुए हैं, और यहाँ पे हमें 2 एक्स सूट, बैरल की स्किन, उसके बाद ब्लड रेवन हमारा जो है वो भी अपग्रेड होके मिथिक हो गया, ये चेक कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारा ब्लड रेवन जो है इसकी लुक वगैरह और ये कम्प्लीट सेट यहाँ पे हमें अभी शो नहीं हो रहा। यहाँ पे मैं इसका जो आउटफिट का सामने लगाने वाला है ना हेड गेयर वो भी लगा लेते हैं ये वाला। तो ये देखो लो गाइस, अब ब्लड रेवन हमारा लेवल 3 हो गया। लेवल 3 पे इसकी लुक काफ़ी ज़बरदस्त हो जाती है। तो गाइस आज की वीडियो तो यही थी, थोड़ी लंबी हो गई है वीडियो, लेकिन ज़रूर पब्लिक सपोर्ट दिखा देना, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब चैनल को कर देना, जितना हो सके शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।